नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम लोग मेष राशि 2020 राशि फल के बारे में बात करेंगे। मेष राशि के जातक स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। आपकी राशि का स्वामी मंगल है। इस राशि वाले व्यक्ति स्वभाव से थोड़े उग्र होते हैं। क्रोध अथवा आक्रामकता की वजह से आप अपना धैर्य खो बैठते हैं। कार्यों को जवाबदेही से पूर्ण करना पसंद करते हैं। आपकी मित्र पक्ष क्षमता लोग प्रशंसा करते हैं। पढ़ने का शौक अधिक रहता है। स्वभाव के विरुद्ध कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। परिवार का स्नेह बना रहता है। कार्य क्षेत्र में अधिक दृढ़ स्वभाव आपका रहता है। अनुशासन में रहना आपको पसंद आता है। आप समाज में मान सम्मान प्राप्त कर पाते हैं। आर्थिक जीवन, वर्ष की शुरुआत में आपका आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा। शेयर बाजार में निवेश से आपको मुनाफा होगा। हालांकि आपको जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको उसमें धोखा हो सकता है। मार्च में व्यापार से जुड़ी यात्राएं फलदायी होगा। वहीं अप्रैल में आपकी खर्चों में वृद्धि हो सकता है। जून में आमदनी में गिरावट होने की संभावना है। वहीं अगस्त में बिना परिस्थितियां आपके आर्थिक जीवन को सफल करेगा। वर्ष के अंत में आपके खर्चों में वृद्धि होने की प्रबल संभावनाएं रहेगा। इस समय आपको अपनी बचत पर ध्यान देना होगा। इस साल आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। करियर व्यापार, वर्ष के शुरुआती दिनों में आपके ऊपर कार्य का दबाव रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने निजी जीवन को थोड़ा सा समय दे पाएंगे। यदि आप रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं तो इसके लिए साल का शुरुआती दिन बेहतर है। इस समय आपका व्यापार में विस्तार होने की संभावना रहेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से मदद मान मुटाव की स्थिति बन सकती है। मई में आपको अपनी मेहनत और परिश्रम का अच्छा फल प्राप्त होगा। अपने अधिकारियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर चले। साल के मध्य में आपके व्यापारियों के उतार चढ़ाव आने की संभावना है। इस दौरान व्यवसाय या कार्य के सिलसिले से यात्रा करनी पड़ सकती है। अक्टूबर में व्यापार अथवा कार्य की हेतु विदेशी कंपनियों से संबंध स्थापित हो सकता है। वर्ष के अंत में आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकता है। पारिवारिक जीवन, इस समय मित्रों से आपकी बनता बढ़ेगा। आप उनके साथ अपने दुख दर्द को बांटेंगे। ससुराल की ओर से आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। परिवार में सास बहू के बीच मेलजोल बढ़ेगा। अगर संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रहा हो तो वो भी दूर होगा। आर्थिक कारणों से परिजनों से रिश्ते में खटास आ सकता है। अप्रैल में आपके परिवार में पूजा पाठ का कार्यक्रम बन सकता है। जुलाई में संतान की ओर से आपकी परेशान रह सकते हैं। अपने संतान का सही मार्गदर्शन करना आपकी पहली प्राथमिकता होगा। परिजनों के सामने से का भाव बना रहेगा, इसके लिए आपको पहल करने की आवश्यकता होगा। इस वर्ष ऐसे लोगों से दूर रहें जो अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनसे आप जड़ा नुकसान हो सकता है। प्रेमी एवं विवाह, इस साल वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। साल के शुरुआती दिनों में आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगा। जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझेगा। साल के मध्य में जीवन साथी के साथ कई बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इस दौरान आपको अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। बात बिगड़ने पर संवाद कायम रखें, क्योंकि जल्दी ही रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो अगस्त में अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। संभव है कि साथी की ओर से भी सकारात्मक जवाब मिले। इस वर्ष अगर प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो सितंबर का समय अनुकूल है। इस पर बात आगे बढ़ाई जा सकता है। अक्टूबर में आपका मन धर्म तथा आध्यात्म के प्रति बढ़ सकता है। आपको सरकारी चीजों से बेकार लग सकती है। साल के अंतिम माह में साथी की ओर आपके बीच नजदीकियां बढ़ेगा। रिश्ते में रोमांस बना रहेगा। स्वास्थ्य, सेहत की दृष्टि से यह देखें तो वर्ष 2020 आपके लिए मिला जुला रहेगा। वर्ष की शुरुआत में आपके स्वभाव में क्रोध की मात्रा बढ़ सकता है। इस पर आपको काबू पाना होगा। साल की शुरुआत में कार्यों की अधिकता के चलते आपके ऊपर मानसिक दबाव बना रह सकता है।
कोशिश करें कि मन में अधिक दबाव ना लें। अपने सहप्रिय पति अपनी लापरवाही बरतना आपको महंगा पड़ सकता है। मार्च में वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। जून में अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। जुलाई में आपको त्वचा रोग हो सकता है। मौसम परिवर्तन के समय आपको बुखार खांसी जुकाम हो सकता है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो दोस्तों यह वीडियो थी मेष राशि 2020 की राशिफल के बारे में। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।